नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोवे सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम् नमि ओणशिणं वीरम अनंतवर्णान दंशन सहावम् वोच्छामि नियम सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम् भगवान कुंदकुंदाचार्य देव के द्वारा निज भावना के निमित्त रचित महान ग्रंथ परमागम नियम सारजी शास्त्र है और इसकी शुद्ध भाव अधिकार की 38 नंबर की गाथा पर हम लोग गुरुदेव श्री का प्रवचन भी सुन रहे हैं और उसी के आधार पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। आपने देखा होगा अभी गुरुदेव श्री का प्रवचन एक एक शब्द का किस तरह अर्थ करते हैं। परद्रव्य की बात आई आज, परद्रव्य के कितने अर्थ किए हैं, बहुत सारे अर्थ किए, तीन अर्थ किए, कितने अर्थ, कैसे कैसे तीन अर्थ किए। देखो ये जो अत्यंत भिन्न जो परद्रव्य है जिनको अपन बोलते हैं ना, ये तो है ही, ये तो परद्रव्य है ही, शुभ अशुभ भाव उसको भी क्या कहेंगे, उनकी ओर लक्ष्य जाता है वो, और वहां से लक्ष्य छूट करके अपने स्वभाव की ओर लक्ष्य जाए, समर निद्रा मोक्ष की पर्याय प्रकट हो, वो भी परद्रव्य है। वैराग्य और ज्ञान शक्ति की बहुत जोरदार बात आई थी, अस्ति ज्ञान का मतलब होता है अस्ति से बात है और वैराग्य माने नास्ति से बात है। तो वैराग्य माने क्या है? पुण्य पाप के राग से उपयोग हटना ना, उसका नाम वैराग्य। अपन वैराग्य किसे समझते हैं, वेश बदल लिया, भोजन बदल लिया, थोड़ा चलने ढलने की चाल ढाल थोड़ी सी बदल ली और हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े वैरागी हो गए, है ना। और उन क्रियाओं का, जिन क्रियाओं को हम करके अपने आप को वैरागी मानते हैं, उन क्रियाओं का अभिमान अंदर में पड़ा हो तो वैरागी है कि मिथ्यात्वी है, है ना। और अपने को धर्मात्मा माने तो मिथ्यात्व तो है ही, और अपने को धर्मात्मा माने और मनवावे तो मिथ्यात्व का पोषक भी है, वो ग्रहित मिथ्यात्व है। बहुत समझना भैया, गुरुदेव की ऐसी तत्व ज्ञान की घनघोर वर्षा होने के बाद भी जीव कहां कहां अटक जाता है और गुरुदेव श्री के माध्यम से वो अटकाव अपना दूर होता है। ऐसी वज्रवाणी आता है ना गुरुदेव स्तुति में, वज्रवाणी छूटे कि प्रभु आपकी वाणी कैसी है, कि ये तो वज्रवाणी है। वज्रवाणी का मतलब क्या, कि जैसे वज्र पड़े और पर्वत के दो टुकड़े होता कि नहीं, वज्र गिरेगा तो पर्वत पे क्या हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे ही ये गुरुदेव जैसे ज्ञानी धर्मात्माओं की वाणी रूपी वज्र गिरे और अपने मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन ये कहता है कि वो वज्र गिरे, इसकी गुंजाइश तो रखनी पड़ेगी ना। पहले से अपन ये करेंगे, नहीं नहीं भैया बहुत ऊंची बात है, अपने लिए नहीं है, है ना।
मतलब बड़ी तकलीफ होती लोग, अरे वो बहुत ऊंची बात है, अपने लिए नहीं है। मैंने कहा क्यों, ये ऊंची बात है तो तुम तो इससे भी ऊंचे तक तो हो, अपने को अपना गौरव क्यों नहीं आता, ये बात बहुत ऊंची है। अरे जिसकी ये बात है वो आत्म तत्व तो इससे भी कहीं ऊंचा है। इस वाणी की ताकत कहां है कि उस आत्मा के संपूर्ण गीत गा सके। तो अमुक अमुक इशारे आते हैं, आई बात समझ में है ना। कभी अपने आप को दीनहीन मत देखो। अरे जिसकी महिमा के गीत भगवान की दिव्य ध्वनि में भी पूरे नहीं आ सकते, ऐसा महिमावंत तत्व मैं हूं। अपने स्वभाव का ऐसा गौरव अपने को आवे तो एक बार तो सबका गौरव छूट जाए। आज गुरुदेव ले रहे थे ना कि देखो जिस समय समय दर्शन होता है तो अकेली श्रद्धा गुण की पर्यायी अंतर्मुख नहीं होती, अनंत गुणों की पर्यायी अंतर्मुख होती है और अनंत गुणों की अनंत पर्यायी निर्मल रूप से परिणमित होती है। वो निर्मल पर्यायें भी मेरे लिए परद्रव्य है। अब जब निर्मल पर्यायें भी परद्रव्य है तो राग की क्या बात करें, संयोग की क्या बात करें, पुण्य पाप की क्षुद्र वृत्तियों की क्या बात करें। विचार करना भैया, बहुत गंभीरता से विचार करना, कैसा अद्भुत तत्व है विश्व का, चैतन्य सम्राट है ये आत्मा। गुरुदेव श्री एक प्रवचन में बोले ये तो भगवान का भगवान है। क्या है ये? भगवान का भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान इसके आश्रय से पैदा प्रकट होते हैं। पर दबा दो दुख गई सदो अद सु गई की चर्चा आई थी, मैं खाली वो बिंदु याद करा रहा हूं जो आज आई है, मेरा तो अभी पहला प्रवचन ही चल रहा है। क्या आया था? स्व दबा दो दुख गई, पर दबा दो दुख गई, क्या आया था उसमें? कि ए वीतरागी परमात्मा कहते हैं कि प्रभु हम तेरे लिए परद्रव्य हैं, हम तेरे लिए परद्रव्य हैं, हमारी ओर लक्ष्य जाएगा तेरी दुर्गति होगी। कल भी बात आई थी, आज भी बात आई, मोक्ष पाउड की 16 नंबर की गाथा है ना। क्यों दुर्गति? तो भाई चैतन्य की गति, वो तो वीतराग परिणति वो चैतन्य की गति है। क्या? वीतराग परिणति का नाम चैतन्य की गति है। राग होना, राग के फल में स्वर्ग की प्राप्ति होना, ये कोई चैतन्य को शोभा देता है क्या? चक्रवर्ती को कूड़े के ढेर में बैठा दो, दिया ना 138 नंबर के कलश में उठा दिया समय सार में, कि चक्रवर्ती को तुम कूड़े के ढेर में बैठा दो तो कितना शोभा, कितना शोभायमान होगा वो। इसी तरह इस चैतन्य परमेश्वर को, इस चैतन्य चक्रवर्ती को पुण्य पाप के कूड़े के ढेर पे बैठा दो, शोभा देता है? पुण्य पाप के ढेर पे बैठा हुआ ये चैतन्य चक्रवर्ती शोभा देता है? पाप के ढेर पे बैठा हुआ तो शोभा नहीं देता, लेकिन पुण्य के ढेर पे बैठा हुआ भी शोभा देता है। कि भाई पुण्य और पाप से विरक्ति और स्वद्रव्य में अनुरक्ति, इसका नाम है वैराग्य और ज्ञान। और ऐसी शक्ति से संपन्न अपना जो चैतन्य परमेश्वर है उसकी चर्चा अपनी चल रही है। देखो कारण कार्य नियम का आज पेज नंबर 5 निकालो। यहां तो यह गुरुदेव श्री ने यहां कहा कि इनको वो कहा ना जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य है होने के कारण है, ही है उपादेय नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि परद्रव्य क्यों कहा? 3 बातें मैंने बताई थी, वो चर्चा हो गई। उसके बाद आगे देखो कि यहां तो अभी दया दान व्रत भक्ति के परिणाम है ही है, यह स्वीकार करने में पसीना उतर जाता है। क्या? कौन से परिणाम है? कि दया दान व्रत भक्ति आदि के परिणाम है हैं, कि ये बात सुने तो पसीना उतर जाता है, पानी उतर जाता है।
अरे 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 ऐसा नहीं कहा जाता, लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे, पुण्य छोड़ के पाप में चले जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ऐसा होगा, बहुत खतरनाक बात है फिर तो ये। कहा साहब, इसीलिए तो हम कहते हैं कि इतना पुण्य पुण्य के लिए ऐसा नहीं बोलना। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ जरा हमारी, कि जब हमने पुण्य के बारे में आचार्य भगवान कहते कि हमने ये बोला कि पुण्य और पुण्य परिणाम है ही है, तब तुम ये धमकी देते हो कि पुण्य परिणाम छोड़ करके लोग पाप में चले जाएंगे। तो मैंने कहा भाई साहब हमने तो पुण्य परिणाम को हे कहने से पहले पाप परिणाम को भी हे ही कहा, तब तुमने हमें ये धमकी क्यों नहीं दी कि यदि तुम पाप परिणाम को हे कहोगे तो हम दुकान छोड़ देंगे, मकान छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे। मैंने कहा छोड़ देना, आत्मार्थी ट्रस्ट में जगह खाली है, बहुत जगह है यहां पे, आ जाना। वो धमकी क्यों नहीं दी है ना। और पुण्य पुण्य की है की बात आई, अरे रे 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 रे, इसका मतलब क्या है कि अंदर ही अंदर पुण्य की मिठास पड़ी है, समझ आ गया। और वो पुण्य की मिठास ये शब्द बुलवाती है कि स्वच्छंदी हो जाएगा, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हां नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पंडित टोडरमल जी ने दृष्टांत दिया, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो मनुष्य मिश्री खाना छोड़े कि नहीं छोड़े? तो कोई जीव स्वच्छंदी हो जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, स्वच्छंदी भी हो जाएगा तो क्या फर्क, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा? हां नहीं पड़ेगा। इतना होगा कि पहले वो थोड़ा बहुत पुण्य परिणाम करता तो स्वर्ग में जाता, अभी पुण्य परिणाम छोड़ करके पाप में प्रवर्तन करेगा तो नरक में जाएगा, रहेगा संसार में, और साथ में मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है ना तो जाएगा निगोद में। अब वो निगोद में जाने के लिए वाया नरक होके जाए कि वाया स्वर्ग होके जाए, क्या फर्क पड़ता है उससे? अरे मिथ्यात्व का सेवन किया है तो निगोद तो जाएगा ही। इसलिए ये स्वच्छंदता की बातें छोड़ो, मिथ्यात्व से बढ़कर सबसे बड़ी स्वच्छंदता कोई दूसरी नहीं है। सबसे बड़ा स्वच्छंद है वो मिथ्यात्व है कि जिसने जिसमें इसने अपने चैतन्य स्वरूप को दांव पर लगा दिया है। पांच पांडवों ने तो, धर्म राजा ने तो द्रौपदी को दांव पे लगाया होगा, समझाए कि नहीं है? है ना, कि इस मिथ्यात्व रूपी मोह राजा ने पूरे चैतन्य स्वरूप को दांव पर लगा दिया है, क्या फर्क पड़ता है? अब वो ठीक है, अब वो मिथ्यात्व के फल के मिथ्यात्व के साथ में पुण्य करके स्वर्ग चला जाए तो क्या फर्क पड़ना है, और पाप करके नरक चला जाए तो क्या फर्क पड़ना है? क्यों? क्योंकि अंत तो गत्वा तो निगोद जाना है। बात आई समझे? लेकिन यदि ये मूल तत्व ज्ञान और इस मूल तत्व ज्ञान की वार्ता अगर हमने इस भय से बंद कर दी तो मैंने कहा भाई साहब रिएक्शन तो हर चीज का हो सकता है, तुम क्या क्या बंद करोगे? आप गाड़ी में बैठ रहे हो, आप मोटर में बैठने गए, हम बैठ तो रहे हैं लेकिन एक्सीडेंट हो गया आपको, मेट्रो में बैठे लेकिन मेट्रो की पुलिया टूट गई तो, ट्रेन में बैठे किसी आतंकवादी ने बम लगा दिया तो, प्लेन में बैठे कोई आतंकवादी ने इसको हाईजेक कर लिया तो, कि इन तो का तो कहीं अंत नहीं है, है ना। और सही दृष्टि से आत्महित की दृष्टि से जो समझेगा, क्योंकि भाई ये नक्की करो कि जो जिनवाणी दया दान व्रत भक्ति आदि पुण्य के परिणाम को भी हे ही कहती है, क्या वो जिनवाणी पाप करने की प्रेरणा देगी? है ना, इसलिए भ्रम निकाल देना है ना। और हे को हे कह रही है ना, कि अगर आप फिर तो अगर हम हे इनको एक तरफ हम हे भी कहें और दूसरी तरफ हम इनका पालन भी करें तो ये मायाचारी नहीं होगी?
बहुत तर्क देते हैं लोग, बहुत तर्क देते हैं। जब ये बात कहे ना कि आप पुण्य को तुम हे कहते हो और पुण्य परिणाम भी करते हो, मंदिर बनाना, पूजा करना, दयादान भक्ति करना, इनको हे कहते हो और इससे ऐसे बढ़िया बढ़िया काम भी करते हो कि ये तुम्हारी कैसी मायाचारी है। काय का टाइटल देते हैं लोग अपने को, मायाचारी का टाइटल देते कि सोनगढ़ी है ना, ये सब मायाचारी है। मैंने कहा आपकी बात गंभीर है लेकिन विचारणीय है। मैंने कहा भाई साहब आप कभी हॉस्पिटल में गए हो? हां एक बार हमें 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। मैंने कहा हॉस्पिटल में जिस समय आप रहे थे, हॉस्पिटल में रहना आपको कैसा लगता था बताओ मुझे? कि डॉक्टर से अच्छा, हमें अच्छा 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 लगता है, ऐसा है भगवंत बनना अच्छा लगता है ऐसा है। कि हमें कैसा लगता था आपको वो हॉस्पिटल में रहना? कि भाई साहब क्या बात करते हो, जिस दिन हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए उसी दिन हमने डॉक्टर से पूछा था भाई साहब घर कब जाएंगे। तो डॉक्टर ने कहा था कैसे मूर्ख छंद हो तुम, तुम्हारे घर में एसी नहीं, तुम्हारे घर में कूलर नहीं, तुम्हारे घर में अच्छा गद्दा नहीं, अच्छा बिस्तर नहीं, अब यहां देखो तुम कितना बढ़िया रूम है ना, घर से बढ़िया सुविधाएं हैं और तुम कहते हो घर कब जाऊंगा। जिस तरह हॉस्पिटल में रहते हुए भी उस हॉस्पिटल के प्रति हमें रंच मात्र भी उपादेय बुद्धि नहीं होती, और रंच मात्र उपादेय बुद्धि नहीं होने पर भी हॉस्पिटल में मजबूरी वश रहना होता है। इसी तरह ज्ञानी को राग परिणति होने पर भी राग परिणति में रंच मात्र उपादेय बुद्धि नहीं होती, और रंच मात्र उपादेय बुद्धि नहीं होने पर भी वीतरागता जब तक परिपूर्णता को प्राप्त न हो भूमिका के अनुसार राग आ जाता है। आ जाना और उसको उपादेय मानना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अभी इसी उदाहरण को और लो कि अपन डॉक्टर के पास गए और उनने अपने को कम से कम जिस समय हमने दिखाया 20 गोलियां कम से कम लिखी, उनने 20 गोलियां लिखी, रजनी भाई को पता है 20 गोलियां लिखी, और उसके बाद हमने उन्हें कहा 3 महीने बाद आना, तो हमने भाई साहब 5,000 रुपए लगा करके और सारी जांच दोबारा कराई और डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल गुड, और उसने अपनी 15 गोलियां कैंसिल कर दी। अब कितनी गोलियां रह गई? 5। तो अभी अपने को क्या होता है कि कैसा नालायक डॉक्टर पल्ले पड़ा है कि मैं 20 गोली लेता था अच्छी भली कितनी कर दी इसने कि 5 गोली कर दी, मेरे 5,000 रुपए खर्च करा दिए और गोलियां भी 5 कर दी। बोलो ऐसा भाव आता है या प्रसन्नता से अपन घर आते हैं कि वाह भगवान कब वो दिन आवे जब ये 5 गोलियां भी छूट जाए। देखो लेते हैं लेकिन मजबूरी, लेने पर भी उनमें उपादेय बुद्धि नहीं होती, और उपादेय बुद्धि नहीं होने पर भी लेते हैं। वो गुरुदेव यहां पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अभी तो दया दान व्रत भक्ति आदि के परिणाम हे है, यह स्वीकार करने में पानी उतर जाता है, और पानी उतर जाता है ये कहकर के गुरुदेव ने किसे संबोधन किया पता है? उनने संबोधन किया पंडित जी। गुरुदेव के संबोधन में भी बड़ा मर्म है कि कौन सी बात पंडित जी को संबोधन करके कहनी है, कौन सी बात सेठ जी को संबोधन करके कहनी है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कि अभी दयादान व्रत भक्ति हे कि प्रतिपादन करना पंडितों की जिम्मेदारी है कि नहीं, लेकिन पंडितों का ही पानी उतरा हुआ हो तो फिर वो क्या करेंगे। तो उनने कहा कि पंडित जी, ये गुरुदेव ने संबोधन किया, मतलब गुरुदेव के प्रवचन को पढ़ोगे ना एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा ढंग से। देखो फिर क्या कहते हैं, दया दान व्रत भक्ति तप भगवान का विनय आदि ये सब भाव हे है राग है। आ गया, अभी यह राग है यह समझने में कठिन पड़ता है। आया आया आहा हा, यहां तो परमात्मा
100 इंद्रों के बीच में, अभी तो कोई परमात्मा की सभा का कैसा वर्णन गुरुदेव करते हैं कि परमात्मा की सभा कैसी है कि 100 इंद्रों के बीच में, और 100 इंद्र कैसे हैं, 100 इंद्र गजब के इंद्र हैं, वो मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती है ना, और सोधर्म स्वर्ग का इंद्र होता है कि नहीं, आप सोचो जरा कि वो इंद्र कैसा होता है कि भाई साहब 32,00,000 विमान होते हैं, ये गुरुदेव नहीं, सब गुरुदेव के प्रवचन में आया, वही अपने को याद है, बाकी कुछ पता नहीं है, क्योंकि 32,00,000 विमान का मालिक, एक एक विमान में बहुत सौ में असंख्यात असंख्यात देव, और एक देव की संपत्ति का यदि आप वर्णन करो तो वर्तमान वर्ल्ड के टॉप 10 पूंजीपतियों की पूंजी मिला लो तो भी उस देव की पूंजी का मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसे 32,00,000 विमान और एक एक विमान में असंख्यात असंख्यात देव और उनका मालिक, और जिसको अगले भाव में जिसकी मुक्ति होना नक्की है, बोलो कि ऐसे तो इंद्रों के बीच में सोधर्म स्वर्ग का इंद्र एक अवतारी एक भवतारी है। ये एक भवतारी कहकर के क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव कि देखो भाई साहब, एक भवतारी इंद्र जिसकी मुक्ति नक्की है, यदि वो दिव्य ध्वनि सुनने नहीं आवे तो भी उसको भी भगवान की वाणी सुनने का भाव आता है। जब हम ये बात कहते हैं कि ठीक है साहब, अब उसको तो अगले भाव में मोक्ष जाना ही है तो कोई बात नहीं, वो हमको तो बहुत सारे काम निपटाने, हम तो बहुत काम वाले हैं ना, इंद्र तो ठल उसको काम है नहीं, फालतू है ना। तो कहते हैं कि तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है उससे कई गुणी संपत्ति का मालिक है, उसके बाद भी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए 9 घंटे 36 मिनट प्रतिदिन हाजिरी देता है समोसरण में। ये कहकर के गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं कि इंद्र को ये बात सुनने का विकल्प आवे और जिसकी मुक्ति नक्की है उसको सुनने का विकल्प आवे, अभी हमारी तो ये त्रस पर्याय भी अगले भाव में मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये नक्की नहीं है। तो बोलो जिनवाणी का कितना समागम अपन लोगों को करना चाहिए। ये उदाहरण गुरुदेव ऐसे ही नहीं देते, वो कहने को कुछ नहीं कहकर के भी उदाहरणों में बहुत बात कह देते हैं। जैसे क्या होता है कि अपने घर में अपनी बहू हो और अपने घर में अपनी बेटी भी हो ना, अब अपने को बहू से कोई बात कहना है डांट करके कहना है, गलती की उसने और डांट करके वो बात कहना है, तो भाई साहब अगर बहू को डांटोगे तो बात बिगड़ जाएगी। क्या कहा, बहू को डांटोगे ना तो बात बिगड़ जाएगी, तो क्या करते हैं कि बेटी को डांटना शुरू कर देते हैं कि समझदार बहू होगी तो समझ जाएगी कि जब बेटी को डांट पड़ सकती है तो मेरी क्या है ना। इसी तरह आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समोसरण में आने वाले इंद्र की बात, 100-100 इंद्रों की बात कहकर बेटी को उपदेश दे रहे हैं, बहू को समझ लेना चाहिए। समझ आया कि नहीं? हाँ, देखो एक भवतारी है, सकेंद्र इंद्र है, सोधर्म देव लोक में, देखो जो बात कह रहे हैं वो आ गई इसमें, देखना 32,00,000 विमान हैं, एक एक विमान में बहुतों में तो असंख्य अरब देव हैं, असंख्य अरब देव हैं, ओहो हो 32,00,000 विमान, एक एक विमान में असंख्य देव हैं, देव वाले थोड़े हैं, संख्या देव वाले हैं वे, परंतु वे थोड़े हैं, असंख्य देव वाले बहुत हैं, ऐसे 32,00,000 विमान का स्वामी और कितनी अप्सराएं, करोड़ों अप्सराएं हैं, शकेंद्र है, सिद्धांत में लेख है कि वह एक भवतारी है, वहां से मनुष्य होकर मोक्ष में जाने वाला है, और उसकी एक पटरानी देवी है, वह देवी उत्पन्न होती है तब तो मिथ्यात्व होता है, स्त्री का उत्पन्न होना मिथ्यात्व से ही उत्पन्न होता है, जहां जहां ये आगे सब बात है, वो देवी उत्पन्न हुई तब तो मिथ्यात्व था, परंतु पश्चात उसके स्वामी इंद्र
उनके साथ भगवान के जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, दीक्षा कल्याणक में साथ जाते थे। इसमें सुनने में आया और सुनकर देवी अंतर में उतर गई। कितना बढ़िया वर्णन किया, लगता है ना गुरुदेव के। देखो शुद्ध भाव अधिकार में भी गुरुदेव कैसा कैसा वर्णन करते हैं कि देखो पहले देव का वैभव वर्णन किया, देव की देवी कैसी, और उन्होंने कहा कि उत्पन्न हुई तब मिथ्या दृष्टि थी। क्यों उत्पन्न हुई तब मिथ्या दृष्टि थी? क्योंकि स्त्री पर्याय में समय दृष्टि जन्म नहीं लेता। भगवान के पंच कल्याणक में जाते थे, वहां पर यह तत्व ज्ञान सुनने का अवसर मिला, समझने का अवसर मिला, और वो देवी अंतर में उतर गई और समय दर्शन प्राप्त कर लिया। करोड़ों देवियों में उसकी मुख्य अधिपति, फिर क्या कहते हैं, वह यह जो पर्याय कहते हैं उसकी दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि में उतर गई। यह है अंदर में उतरने का मतलब, कि ये जो पर्याय है ना, कि पर्याय की दृष्टि छोड़कर के अंतर में उतर गई, त्रिकाली ध्रुव सभा में उतर गई, जिसके लिए गुरुदेव सिंह ने आज प्रयोग शब्द प्रयोग किया था, निरंतर ध्रुव, वर्तमान ध्रुव, यानी हमेशा ध्रुव 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 ऐसा प्रवाह चलता है उत्पाद वे बिना का, ऐसा ध्रुव तत्व वो यहां पे कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि पाताल में बहुत पानी है, पाताल पाताल में बहुत पानी नहीं, क्योंकि फिर ये पानी का तो गुरुदेव ने एक अलग से दिया है, वो चर्चा अपन छोड़ देते हैं। फिर देखो आगे का पेरा, तेरी प्रभुता का पार नहीं है। क्या शब्द का प्रयोग कर रहे, तेरी प्रभुता का पार नहीं है। प्रभु ऐसी बात है, परंतु इन बाहर की चीजों के प्रपंच में, बाहर के प्रपंच में सुख बुद्धि से तेरी स्वयं की सुख बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि बाहर में से सुख आएगा। ये मान्यता में मैं स्वयं ही सुख का कंद हूं, मेरे पास अपरिमित प्रभुता परी है, मैं अनंत प्रभुता का संपन्न, प्रभुता से संपन्न, प्रभुत्व शक्ति से संपन्न भगवान आत्मा हूं, ऐसी अपनी प्रभुता को भूल करके पर में से सुख आएगा, ऐसी मान्यता करने के कारण अपनी आत्मा में से सुख उत्पन्न होता है, ऐसी अपनी सुख बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। बाह्य यह प्रपंच, शरीर, वाणी, प्रदर्शन, पैसा, इज्जत, मकान, ये सब बाह्य प्रपंच और सुख बुद्धि के कारण भगवान अंदर शुद्ध अतिंद्रिय आनंद संपन्न है, उसकी सुख बुद्धि नहीं होती। सीधी सी बात है, या तो आत्मा की दृष्टि कर लो या पर की ओर दृष्टि कर लो, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर हमारी पर में सुख बुद्धि होगी, अगर हमारी पर में इष्ट बुद्धि होगी, अगर हमारी पर में स्व बुद्धि होगी, अगर हमारे पर में स्वामी बुद्धि होगी, तो हमें त्रिकाल में भी भगवान आत्मा में अपने पने की बुद्धि नहीं उत्पन्न हो सकती। और अपने आत्मा में अपने पने की बुद्धि उत्पन्न हो तो जगत के किसी संयोग में, जगत के किसी शुभ शुभ परिणाम में, और जगत के किसी, अरे जगत की बात तो छोड़ो, अपनी आत्मा के अवलंबन से प्रकट होने वाले निर्मल परिणाम में भी अपने पने की बुद्धि नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी? क्योंकि आत्मा के आश्रय से, ध्रुव तत्व के आश्रय से प्रकट हुआ वर्तमान निर्मल परिणाम भी मेरे लिए परद्रव्य है। क्यों परद्रव्य है? गुरुदेव ने आज न्याय दिया था, पहले कल भी न्याय आया, आज भी न्याय आया, परद्रव्य में से पर्याय नहीं आती, वो वाला न्याय आया। और गुरुदेव ने आज वो न्याय भी दिया था, विकल्प उत्पन्न होता है, आया कि नहीं? पूरा एक एक शब्द ध्यान से सुनेंगे तो पूरा आएगा। देखो फिर क्या कहते हैं आगे, देखो संवर, इसी पेरा में तीसरी, इसी पेरा में तीसरी लाइन, कि संवर निर्जरा मोक्ष भी शुद्ध भाव नहीं है।
शुद्ध भाव नहीं का मतलब क्या है यहां पे? कि पहले शुद्ध भाव की व्याख्या कर लो ना, कि इस अधिकार में जिस शुद्ध भाव की चर्चा चल रही है वो त्रिकाली शुद्ध भाव है, और संबल निद्रा मोक्ष वो त्रिकाली शुद्ध भाव नहीं है, माने वो स्वयं शुद्ध पर्याय है, क्षणिक है, वो त्रैकालिक शुद्ध भाव नहीं है। इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि शुद्ध भाव नहीं है, वह पर्याय का शुद्ध भाव है, आश्रय योग्य शुद्ध भाव। आश्रय योग्य शुद्ध भाव कौन? कि उस शुद्ध भाव की पर्याय को तो यहां पर द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं भैया शुद्ध भाव की पर्याय को? पर द्रव्य कहते हैं। तो पुण्य पाप को क्या कहेंगे? जब शुद्ध भाव की पर्याय भी परद्रव्य, तो पुण्य और पाप तो परद्रव्य हो ही गए, उनकी तो क्या बात करें। समझो भैया जरा, है ना? आहा, कठिन बात है भगवान। अरे तुझे कहां रहना है, कहां जाना है? नक्की तो कर ले। देखो भैया, ये अवसर है, और इस अवसर में यदि इस तत्व निर्णय का पुरुषार्थ अपन ने नहीं किया, शुद्ध अंत तत्व स्वरूप ध्रुव त्रिकाली तत्व की दृष्टि नहीं हुई, अवसर चला जाएगा। पंडित जी साहब ने मोक्ष प्रकाशक में लिखा, सब प्रकार से अवसर आया है, आयाग्निया सब प्रकार से अवसर आया है, इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। दौलत राम जी ने लिखा, यह दाव मत चूके अवे, अब इस दाव को मत चूक, चूक गया तो भव भव पछताएगा। आ गया, सोच रहे ना भैया? अनादि अनंत भगवान आत्मा, कि जिसमें पामरता का अनादि से लेकर आज तक प्रवेश नहीं हुआ, जो अनादि से परमात्मा था, परमात्मा वर्तमान में है, परमात्मा भविष्य में रहेगा। 38 नंबर की गाथा समय सार में लिखा कि जैसे कोई अपनी मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो, इस तरह ये भगवान आत्मा, माने इसी तरह ये अप्रतिभूत अज्ञानी जीव अपने परमेश्वर भगवान आत्मा को भूल गया। अब भूल गया तो क्या करे? याद करे बस, और क्या करे, है ना? वो कहते हैं कि ये परमेश्वर जिसमें समण निद्रा और मोक्ष को भी हम तो पर द्रव्य कहते हैं। पर द्रव्य की तीन व्याख्या कौन कौन सी बताई थी? हाँ, तीन बातें आई थी ना कल, बताई थी कल शाम को भी बताई थी, तीन बातें बताई थी कि पर द्रव्य का मतलब यहां पर क्या है, कि पर द्रव्य क्यों कहते हैं, कि जैसे परद्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती, याद करो ये रट के ले जाओ, परद्रव्य में से पर्याय नहीं आती ना, इसी तरह इसमें से पर्याय में से पर्याय नहीं आती, परद्रव्य के आश्रय से विकल्प होता है, ये भेद पर्याय भेद की इनके आश्रय से विकल्प होता है, और परद्रव्य में अहम बुद्धि मिथ्यात्व तो है, इसी तरह इन पर्याय भावों में अहम बुद्धि का नाम मिथ्यात्व, अजय मूढ़ा ही पर समया। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि जिसमें समण निद्रा मोक्ष को भी हम तो परद्रव्य कहते हैं, क्योंकि उनके आश्रय से सम्यक दर्शन होता नहीं। सम्यक दर्शन स्वयं सम्यक दर्शन है, लेकिन सम्यक दर्शन के आश्रय से नया सम्यक दर्शन की पर्याय आती नहीं, उत्पन्न हुआ सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ ना, परंतु सम्यक दर्शन की पर्याय के आश्रय से केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न नहीं होती। क्या मतलब? कि मार्ग में से मार्ग का फल आता है, यह व्यवहारण्य का कथन है, मोक्ष मार्ग से मोक्ष होता है, कि यह व्यवहारण्य का कथन है। क्यों? क्योंकि एक पर्याय को दूसरी पर्याय का कारण कहना, वो तो अभाव हो जाता है उसका, अब वो तो अभाव रूप कारण है, और त्रिकाली द्रव्य स्वभाव कि वो मोक्ष का वास्तविक कारण है। क्यों? कि उसका आश्रय है उसमें, और खरेखर
वास्तव में तो पर्याय का कारण पर्याय है। द्रव्य को पर्याय का कारण कहना ये भी एक उपचार कथन है, व्यवहार कथन है, वास्तविकता तो यह है। खैर देखो क्या कहते हैं, संबर की पर्याय शुद्धि है और निर्जरा की पर्याय शुद्धि की वृद्धि है और मोक्ष की पर्याय शुद्धि की पूर्णता है। हो गया, शुद्धि की संबर की पर्याय क्या है, शुद्धि है, निर्जरा शुद्धि की वृद्धि है, मोक्ष शुद्धि की पूर्णता है। और मैं कैसा हूं कि मैं पूर्ण शुद्ध स्वरूप हूं, मैं तो अनादि अनंत शुद्ध हूं। ये शुद्धि नई प्रकट हुई है, ये शुद्धि की वृद्धि नई हुई है, ये शुद्धि की पूर्णता नई हुई है और मैं अनादि से पूर्ण शुद्ध हूं। मैं हूं और ये हुई है। महिमा हूं की ज्यादा है तो हुई है की ज्यादा है, हूं की ज्यादा है, हूं की महिमा आएगी, हूं में दृष्टि जाएगी तो है पने में शुद्धि प्रकट होगी। और है के पीछे पड़ोगे तो ना है हाथ में आएगा और हूं भी छूट जाएगा। आया, ये कह रहे हैं यहां पे, यह कभी सुनाई नहीं, बहुत कठिन बात। भगवान बाहर की प्रवृत्ति में ऐसा किया, गजरथ निकाला, रथ यात्रा निकाली, भगवान की हजारों प्रतिमाएं स्थापित की, तो मानो हो गया धर्म। ये चोट गुरुदेव करते थे, क्यों करते थे, तो उस समय भी प्रवृत्ति चलती थी ना कि आज वहां मंदिर का शिलान्यास है, आज वहां मंदिर का प्रतिष्ठा है, आज वहां भगवान विराजमान होने वाले, आज वहां ऐसा होने वाला है, आज यहां ऐसा होने वाला है। तो गुरुदेव के शासन प्रभावना में, गुरुदेव के श्री हस्त से 33 पंच कल्याणक और 33 वेदी प्रतिष्ठाएं गुरुदेव की उपस्थिति में हुई, समझ आ गया। लेकिन ये पंच कल्याणक कराने वाला, वेदी प्रतिष्ठा कराने वाला, मंदिर बनाने वाला अभिमान के पावर में नहीं चढ़ जाए, इसलिए गुरुदेव है ना कि अभिमान की शुगर को बढ़ने से रोकने के लिए एक तत्व ज्ञान का इंसुलिन लगाया करते थे कि बापू कि ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया तो हो गया धर्म। ऐसा नहीं है, क्या है तो शुभ भाव होता है, नहीं होता ऐसा नहीं होता है, जब तक वीतरागता न हो। अब बोलो कौन कहता है कि गुरुदेव व्यवहार को उड़ाते हैं, बोलो सच में। सर्वांगीण हम लोग गुरुदेव को पढ़ते नहीं सुनते नहीं, शुद्ध भाव अधिकार में भी यह प्रकरण आया तो कहा कि ऐसा शुभ भाव होता है ना, जब तक वीतरागता न हो तब तक समकिति को भी अशुभ से बचने को शुभ भाव होता है, परंतु वह बंध का कारण है। बहुत से लोग बोलते हैं साहब तुम पुण्य को मानते ही नहीं हो, तुम तो पुण्य को उड़ाते हो। मैंने कहा सच पूछूं, पुण्य को अभय दान ही हम लोगों ने दिया है। क्या कहा, पुण्य को तो सारी दुनिया मारने में लगी थी, सारी दुनिया पुण्य की हत्या कर रही है और पुण्य को अभय दान कांजी स्वामी ने दिया है। आप कहोगे गलत बात। मैंने कहा भाई साहब पुण्य को धर्म मानना, पुण्य को धर्म मानना, ये पुण्य को जीवन दान देना है या पुण्य को सूली पर चढ़ाना है, जरा बताओ, नक्की करो कि वो पुण्य है वो धर्म नहीं है। और आपने पुण्य को धर्म माना इसका मतलब आपने पुण्य को सूली पर चढ़ा दिया। और मैंने कहा हमारे गुरुदेव ने, मैंने कहा हमारे गुरुदेव ने ये कहा कि पुण्य है वो पुण्य है, पुण्य है वो पाप नहीं है, और पुण्य है वो धर्म भी, पुण्य को पुण्य। तो मैंने कहा पुण्य को पुण्य के रूप में स्थापित करके उसको धर्म में से निकालकर पुण्य को पुण्य में स्थापित किया। तो मैंने कहा बताओ पुण्य को जीवन दान किसने दिया,
पुण्य के सच्चे रक्षक कौन हैं? गुरुदेव श्री हैं जिन्होंने पुण्य की भी रक्षा की, अर्थात पुण्य को पुण्य में रखा, ये पुण्य की रक्षा की, धर्म को धर्म में रखा, ये धर्म की रक्षा की, अरे पाप को पाप में रखा, पाप की भी इस रूप में रक्षा की कि जगत के जीव पाप को धर्म ना मान लें, तो पाप का स्वरूप पाप रूप बता करके उन्होंने पाप का भी इस रूप में, रक्षा का मतलब क्या समझे ना, कि रक्षा का मतलब पाप को पाप में स्थापित किया उन्होंने, पुण्य को पुण्य में स्थापित किया और धर्म को धर्म में स्थापित किया। सोचो जरा, ऐसा स्वरूप है। बहुत से लोग बोलते ना कभी कभी, बहुत समाज में तो बहुत झंझट चलती है छोटी छोटी बातों में, हे तुम लोग मुनि को नहीं मानते। मैंने कहा मुनि को हम ही मानते हैं, क्योंकि जो मुनि होते हैं हम उनको मुनि मानते हैं। तुम लोग निमित्त को नहीं मानते। मैंने कहा निमित्त को हम ही मानते हैं, क्योंकि हम निमित्त को कर्ता नहीं मानते। क्यों? क्योंकि निमित्त को कर्ता मानने वाला निमित्त को उपादान मानता है, हम निमित्त को कर्ता नहीं मानते, इसलिए हम निमित्त को निमित्त मानते हैं। निमित्त को जीवन दान देने वाले हम लोग हैं। क्या सब तुम लोगों की कथनी करने में बड़ा अंतर है। तुम लोग निमित्त से कुछ होना मानते नहीं हो और उसके बाद भी निमित्त का पीछा छोड़ते नहीं हो। भाई भूमिका के अनुसार ज्ञानी धर्मात्माओं को भी उनकी भूमिका के योग्य भाव आते हैं। भाव आना अलग बात है, और भाव आएगा तो मैं इसे धर्म ही मानूंगा तो ये नहीं चलेगा, है ना। ये बात गुरुदेव ने हर प्रवचन में, गुरुदेव ये बात बीच बीच में लाते हैं हर प्रवचन में। आप देख लेना शुद्ध भाव अधिकार के भी जितने प्रवचन आएंगे ना, उसमें सब में ये बात आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इस संबंध में जगत का अज्ञान बहुत गहरा है ना। हाँ, अब देखो कि यहां तो उससे भी आगे जाकर, ये बातें तो ठीक है सब है जो बराबर है, कि यहां तो उससे भी आगे जाकर आहा प्रभु, द्रव्य और पर्याय दो वस्तु है। क्यों? क्योंकि एक का नाम द्रव्य है और एक का नाम पर्याय है। तो जब उनका वाचक अलग अलग है तो वाचक का वाच्यभूत वस्तु भी अलग अलग हुई कि नहीं हुई? हो गया समय तो देखो, दो वस्तु है, द्रव्य अर्थात त्रिकाली वस्तु अर्थात ये शुद्ध भाव, और पर्याय, दो चीज में पर्याय को व्यवहार ने कहा और त्रिकाल को निश्चय कहा। अब ये पर्याय को व्यवहार और त्रिकाल को निश्चय, और इस निश्चय और व्यवहार की चर्चा, निश्चय व्यवहार के संदर्भ में, जो कि शाम को भी मैंने कल एक चर्चा की थी कि प्रमाण का, प्रमाण के विषय में आने वाला ध्रुव और शुद्ध दृष्टि के विषय में आने वाला ध्रुव, ये कल चर्चा आई थी ना निश्चय व्यवहार के संदर्भ में, इसी चर्चा को जोड़ते हुए हम शाम के स्वाध्याय में इसकी चर्चा और करेंगे।